एक रात पहले हजारों पन्नों का असाइनमेंट लिखना या फिर किसी डेट पर जाना। कॉफ़ी हमारी ज़िंदगी में कई तरह से काम आती है। अगर भारत एक चाय उत्पादन देश है तो भी यह कॉफ़ी के दीवाने कम नहीं है। कहते हैं कॉफ़ी को सबसे पहले इथियोपिया में डिस्कवर किया गया था, उसके बाद ये बागदाद तक पहुँची और फिर पूरे मिडिल ईस्ट में छा गई। मस्जिद के मौलवी से लेकर सड़क के व्यापारी तक इसे पीने लगे, लेकिन फिर इसे वहाँ बैन कर दिया गया। असली बात ये थी कि ये ड्रिंक्स इस्लामिक वर्ड्स के कारण यूरोप तक पहुंच गई थी, जिस कारण इसका अस्तित्व बचा रहा। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कैसे पेड़ों से निकलकर ये कॉफ़ी आपकी किचन तक पहुंचती है और इसमें कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, देखने में अजीब और अटपटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन कॉफ़ी की शुरुआत एक आम पौधे की तरह ही होती है, जिसमें सबसे पहले फूल आना शुरू होते हैं और उन फूलों को पूरी तरह से अपनी पंख फैलाने में 3 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद इन फूलों से चेरीज बनना शुरू हो जाती है। इन्हीं चेरीज के अंदर हमारी और आपकी फेवरेट ड्रिंक्स का ही छुपी हुई है। इन चेरीज को फार्मर की मदद से कलेक्ट किया जाता है। इन्हें तोड़ते वक्त फार्मर्स इन्हें थोड़ा सा दबाते भी है, जिससे कि फ्लावर और ज़्यादा इन्हेंस होता है। इन चेरीज को पेड़ों से निकलने के बाद इन्हें एक बैग में भर लिया जाता है और यहाँ से ये ट्रक में भरे जाते हैं। ये ट्रक्स इन्हें फैक्ट्रीज तक ले जाती है, जहाँ पर यह चेरीज एक कलेक्शन टैंक्स के अंदर इकट्ठा की जाती है और फार्म से आई इन फ्रेश चेरीज में कई तरह की कंटेनमेंट्स होते हैं, फिर वो धूल मिट्टी हो या फिर कुछ छोटे छोटे पत्थर, जिस वजह से इन चेरीज को छोटे छोटे चैनल्स की मदद से फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और इस बीच इन्हें पानी से अच्छी तरह से धो दिया जाता है। अच्छी तरह से धुलने के बाद ये चेरीज फिर एक पल्पिंग मशीन के पास पहुँचती है, जो इन चेरीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और इनके बीज इनसे बाहर निकल देता है। इससे पहले आप इन बीजों को फेंकने की तैयारी करें, आपको बता दें कि इन बीजों से ही कॉफ़ी का बढ़ना शुरू होगा। यही वो बीज है जो आगे चलकर कॉफ़ी बीन्स की शक्ल लेने वाले हैं। अभी के लिए इन बीन्स को दो अलग अलग सेफर से होते हुए दो बड़ी सिलिंड्रिकल ट्यूब्स में से ले जाया जाता है, जहाँ एक बार फिर से इनकी धुलाई होती है। बस इस बार ये बिना कपड़ों के। इन ट्यूब से निकलने के बाद भी ये बीन्स अलग अलग पाइप से थ्रू जटिल रास्तों से गुजरते हैं, जहाँ पर सारा फोकस इन्हें क्लीन करना होता है, जहाँ ये बीन्स भी अच्छी तरह धुल जाते हैं। इन्हें एक ड्राइंग विन में ड्रॉप कर दिया जाता है। इन कॉफ़ी बीन्स को और ज़्यादा सूखने के लिए कुछ वक्त तक धूप में ही छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये नेचुरल तरीके से सूखते हैं। पूरी तरह से सूखने के बाद अगले स्टेप के लिए इन्हें एक मिलिंग मशीन के अंदर भेज दिया जाता है और फिर मशीन से बाहर आते एक वर्कर इसे स्मेल करते हुए इसकी कंडीशन की जाँच करता है। सब सही होने पर कॉफ़ी को एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर पर रख दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग तरह से कॉफ़ी बीन्स को अलग करते हुए बैग्स में भर दिया जाता है। आपको अभी भी ये बीज कॉफ़ी जैसे लगने शुरू नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम अभी तक इस मैन्युफैक्चरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार स्टेप पर नहीं पहुँचे हैं, जो है रोस्टिंग। रोस्टिंग मशीन के अंदर कॉफ़ी बीन्स को डालने के बाद एक वर्कर बार बार उन्हें निकल कर चेक करता है। पहली बार चेक करने पर आपको ये बीन्स आप थोड़े से हरे नज़र आएंगे, दूसरी बार में इनका रंग गोल्डन ब्राउन होता हुआ दिख जाएगा। फिर ये वर्कर दो बार और इन कॉफ़ी बीन्स को चेक करते हैं, जिनमें ये ब्राउन से डार्क ब्राउन हो जाते हैं और अब आपकी रोस्टेड कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है। अब रोस्ट होने के बाद इसकी महक चारों तरफ कमरे में फैल चुकी है। इस कॉफ़ी में से कुछ बीन्स को सैंपल के तौर पर अलग निकाल लिया जाता है। अब बारी है इस कॉफ़ी को थोड़ा टेस्ट करने की। जो सैंपल्स हमने अलग निकाल लिए थे, उन्हें टेस्ट करने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस टीम के पास भेज दिया जाता है, जहाँ एक ऑफिसर पहले कॉफ़ी बीन्स को स्क्रब करके क्रश करती है और फिर इस कॉफ़ी पाउडर को चारों अलग अलग कप्स में डालकर कॉफ़ी के चारों कप्स तैयार करती है। इसके बाद सबसे पहले टेस्ट में कॉफ़ी को सिर्फ स्मेल करके देखा जाता है कि इसमें किस तरह का एरोमा है। आगे कई बार इन्हें टेस्ट किया जाता है, जैसे कि कॉफ़ी का कलर किस तरह का है, कॉफ़ी के ऊपर कितना झाग बन रहा है। इन सभी के बाद ये ऑफिसर दो बार स्पून की मदद से इन कॉफ़ी के फ्लोट को उससे अलग कर देती है और अब फाइनली जाकर इसका टेस्ट किया जाता है। इसके लिए भी ऑफिसर कॉफ़ी का सिप लेकर उससे पास वाले बीन्स में थूक देती है। उसके बाद फिर एक सिप लिया जाता है। इस तरह से कॉफ़ी की यूनिफॉर्मिटी और टेस्ट का टेस्ट पूरा होता है। अब ये वाला कॉफ़ी का बैचेस पूरी तरह से टेस्ट होने के बाद आगे भेज दिया जाता है। अगर कोई बैच रिजेक्ट हो जाए तो उसे भी फेंकते नहीं है, बल्कि इसे ग्राइंड करके मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है ताकि खेतों में इस्तेमाल किया जा सके। हमारे एक्सेप्टेबल कॉफ़ी बीन्स को पैकिंग स्टोर के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहाँ पर प्लास्टिक के बैग्स में इन कॉफ़ी बीन्स को डाली जा रही है। एक ऑटोमेटेड मशीन पहले इन पैकेजेस को मशीन के सामने अलाइन करती है और फिर उसके बाद इसमें ऊपर से कॉफ़ी बीन्स डाले जाते हैं। फिर नीचे जाते हुए इनमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है,
और फिर एक हीट प्रोसेस की मदद से इन पैकेजेस को अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है। कुछ कंपनीज कॉफ़ी बीन्स को पाउडर के फॉर्म के पैकेज करना पसंद करती है और आमतौर पर हमें वही कॉफ़ी मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसका भी पैकिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो देखा आपने किस तरह 5 मिनट में बन जाने वाली कॉफ़ी को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपके पास पहुंचने से पहले इसको ना जाने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वॉशिंग से लेकर रोस्टिंग तक इसे एक्चुअली परफेक्ट बनाने में कंपनी कई कसर नहीं छोड़ती। और आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।